अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सरफदुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज एट। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आज जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है लोकस इन ज्योमेट्री। लोकस ज्योमेट्री में किस चीज़ को कहा जाता है, और ये वर्ड और ये जो चीज़ है ये असल में थ्योरम्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो लोकस असल में है क्या चीज़, उसको आज डिस्कस करते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा जी, वॉट इज़ लोकस इन ज्योमेट्री? ज्योमेट्री के अंदर लोकस किसे कहा जाता है? अ लोकस इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यानी कोई सेट ऑफ पॉइंट्स से मुराद है कि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उनका जो कॉम्बिनेशन है जो कि किसी फिक्स पॉइंट से या एक से ज़्यादा फिक्स पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो उसे हम लोकस कहेंगे। उस सेट को, उन पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन को हम लोकस कहते हैं। अच्छा, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट्स एग्जाम्पल्स। इसकी दो एग्जाम्पल्स हम समझते हैं डायग्राम के फॉर्म में, तो हमें ये चीज़ और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखें, लोकस इन सर्कल, सर्कल के अंदर लोकस क्या चीज़ होती है? लेट से मैंने पॉइंट कंसिडर कर लिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है ओ का, ठीक है। अच्छा, इससे एक मैं कुछ डिस्टेंस के फासले पर मैं इसमें एक पॉइंट ले रहा हूँ, इसका नाम मैंने दे दिया एस। लेट से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं कह लेता हूँ 5 सेंटीमीटर है, मिसाल के तौर पर। फिर मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया है, उसका नाम मैंने क्यू दिया है, और ये भी ओ से, इस वाले पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के फासले पर है। और फाइनली मैंने एक तीसरा पॉइंट ले लिया है पी, और ये भी ओ से 5 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो अब ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, ये एक फिक्स पॉइंट जो मैंने लगाया था ओ, इससे ये तीनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है ये बराबर है। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ता हूँ, मिलाता हूँ, तो इससे मुझे एक सर्कल फॉर्म होता हुआ नज़र आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ओ से लेकर ए तक, एस तक का जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली ये रेडियस ऑफ सर्कल है, इसको मैं आर कह देता हूँ। ओ से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, ऑब्वियसली सर्कल का जो रेडियस है वो तो चारों तरफ से बराबर होता है, तो ये भी आर होगा। और सिमिलरली ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी रेडियस ऑफ सर्कल ही होगा। तो हमें क्या चीज़ पता चली, ये तीन पॉइंट्स जो हैं ये एक सेट बन गया। सेट जैसे कि आप लोगों ने सेट का चैप्टर में भी आप पढ़ते हो, सेट होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर अगर किसी चीज़ को बना रहे हैं तो वो सेट कहलाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये एक ऐसा सेट है पॉइंट्स का जो कि इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के फासले पर है। इस सेट को असल में लोकस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अ सेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू एंड एस, यानी इन तीनों पॉइंट्स का जो सेट है जिसको आप लोकस कहते हो, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, ओ से इक्वल फासले पर है, फॉर्म्स अ सर्कल। अच्छा, एक चीज़ कॉमनली लोगों के जहन में ये होती है कि अगर एक फिक्स पॉइंट से अगर कुछ आप पॉइंट्स लेते हो और वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं सारे पॉइंट, जैसे यहाँ पे पी क्यू और एस है, तो वो सर्कल बनाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर एक फिक्स पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस के फासले पर होंगे तो उन तमाम डॉट्स का या उन तमाम पॉइंट्स का जो सेट है या कॉम्बिनेशन है वो हमेशा सर्कल बनाएगा। लेकिन लोकस सिर्फ सर्कल के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एक और कंडीशन भी उसकी है, वो कंडीशन कौन सी, आइए मैं दूसरी स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहे हैं लोकस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन हम कंसिडर करते हैं बेटा, ठीक है, और इसके दो एंड पॉइंट्स मैंने ले लिए, इनको नाम मैंने दिया है ए एंड बी का, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रेट पॉइंट के ऊपर मैं एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, पॉइंट एक्स, राइट। अच्छा, ये पॉइंट इस तरह से मैंने प्लेस किया है कि इसका जो फासला एक्स से ए तक का है ये भी, और एक्स से बी तक का जो फासला है ये दोनों फासले बराबर हैं। यानी अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला 5 सेंटीमीटर है तो एक्स से बी का फासला भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये एक पॉइंट मुझे मिल गया जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है बाकी दो फिक्स पॉइंट से, दो फिक्स पॉइंट ए एंड बी हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं इसके ऊपर एक और पॉइंट ले लेता हूँ, इसका नाम y है, ये भी बिल्कुल मिडिल पर ही है। तो ये जो x y है इसका डिस्टेंस a से और इसका डिस्टेंस b से, ये भी बराबर है आपस में, ठीक है। और एक तीसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ मज़ीद, इसका नाम z है। ये z भी इस तरीके से प्लेस किया गया है कि इसका जो फासला है वो फिक्स पॉइंट a से और फिक्स पॉइंट b से बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो ये तीन जो पॉइंट्स मेरे पास आए x y एंड z, ये एक सेट बन गया ना। इन पॉइंट्स का जो सेट है इसे हम लोकस कहते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये दो फिक्स पॉइंट्स a और b से इक्वल डिस्टेंस के फासले पर हैं। जितना मैंने ऊपर लेके जाता जाऊंगा, कोई मैं और पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ z के ऊपर, लेट्स से c d कुछ भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ, अगर वो इन दोनों फिक्स पॉइंट से बराबर डिस्टेंस के फासले पर आ रहा है तो वो सेट जो है वो लोकस कहलाता है, वो सेट ऑफ पॉइंट्स जो है वो लोकस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें खास चीज़ होगी क्या, हमने प्रीवियस डायग्राम में ये देखा था कि अगर फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से मुख्तलिफ डॉट्स हम लेंगे, मुख्तलिफ पॉइंट्स लेंगे जो इक्वल फासले पर होंगे तो वो सर्कल बनाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट्स का जिक्र आ रहा है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो अगर इससे कुछ पॉइंट्स
इक्वल डिस्टेंस के फासले पर हैं बेटा, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और इस स्ट्रेट लाइन का नाम होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। अच्छा, अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड लोकस, यानी कि वाले जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं इनका आप लोकस कह रहे हो, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स ए एंड बी, दो फिक्स पॉइंट्स हैं ए और बी, इनसे इक्वल डिस्टेंस के फासले पर हैं, फॉर्म्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, ये आखिरी जो वर्ड है बेटा, इसको जरा गौर से हम देख लेते हैं, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर ऐसी लाइन को कहा जाता है जो कि किसी दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, यानी एल शेप का एंगल बनाती हो। अब ये लाइन जो है, ये लाइन इस ब्लू वाली लाइन के साथ, ये ऑरेंज लाइन जो वर्टिकल लाइन आ रही है, देखें ये दोनों साइड पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। ये दूसरी चीज़, ये वर्ड है बाइसेक्टर, इसमें छोटा सा डिफरेंस है। एक वर्ड हम पढ़ते हैं इंटरसेक्ट करना, और एक हम पढ़ते हैं बाइसेक्ट करना, लेकिन इसमें छोटा सा फर्क है। वो फर्क ये है, इंटरसेक्ट का वर्ड जो है ये वहाँ इस्तेमाल होता है जब कोई दो लाइंस आप कट कर रहे हो, ठीक है, मिडिल से कट कर रहे हैं या मिडिल से कट नहीं कर रहे, कहीं से भी आप कट कर रहे हैं, तो उनके उसके लिए हम ज्योमेट्री में इंटरसेक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन बाइसेक्ट का वर्ड वहाँ इस्तेमाल होता है जब हमें किसी लाइन को या किसी एंगल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना होता है। बात समझ में आ रही है? तो जब लोकस ऑफ पॉइंट्स जो बनेंगे टू फिक्स पॉइंट्स से, वो हमेशा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ की होगी उससे, उनके यानी कि मिलाने से उनको एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि एक तो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, एंड नंबर टू जो बेस होगी यानी कि ए और बी जो है, इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगी ये लाइन। ठीक है, समझ में आया? तो ये लोकस कहलाता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं बेटा, लोकस एक ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स का नाम है, बहुत सारे पॉइंट्स के सेट का नाम है जो कि किसी एक फिक्स पॉइंट से या किसी एक से ज़्यादा फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के फासले पर होते हैं, तो उन्हें हम लोकस कहते हैं। उसकी दो कंडीशन जो हमने एक सर्कल में देखी और एक स्ट्रेट लाइन में देखी। अच्छा बेटा, आज की वीडियो से फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ लोकस के मुताबिक जो कॉन्सेप्ट मैं चाहा आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसको अच्छी तरीके से रिव्यू कीजिएगा दोबारा, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा एक दफ़ा इस वीडियो को देखिएगा, और फिर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियोस हम जब बनाएंगे उसमें हम उससे रिलेटेड थ्योरम को भी जिक्र करेंगे जहाँ पे लोकस की इम्प्लीमेंटेशन आती है। सो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और अपनी दुआओं में हमें अपने ख्याल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।